आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों, इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहां पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर, यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है, जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी, यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है, जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी,
जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएगी। जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छी टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छी टीआरपी रेटिंग मिले हुए है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों उल्टे के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहाँ पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है,
तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो दो टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहाँ पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस मूवी को 2020 में
रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सरन शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों
ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहां पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और ये एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों, ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं।
अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों, इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहां पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है, जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में
पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो दो टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छी टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छी टीआरपी रेटिंग मिले हुए है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों उल्टे के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहां पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर
बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो दो टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहाँ पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों, ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्यघटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना
द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब TRP रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहाँ पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सरन शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे
TR रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों, इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों उल्टे के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टी वी पर आती है तब TRP रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के TV चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को TV के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहां पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप
सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी, यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनकी एक बहन भी है, जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो दो टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहां पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की
मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो दो टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों उल्टे के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर
जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहाँ पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों, ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्यघटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों, इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहां पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों, ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़
लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी। मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों, इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों उल्टे के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टी वी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहां पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद
और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी, यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो दो टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों उल्टे के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहाँ पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर
100% मिले थे। दोस्तों इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनके तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सरन शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो दो टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छी TRP रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छी TRP रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों उल्टे के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब TRP रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी
हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहाँ पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी यानी कि पायलट बनना चाहती है और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी। जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी। मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गुंजन सक्सेना।
जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों, इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब TRP रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहाँ पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सरन शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी,
जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है, वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छी टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छी टीआरपी रेटिंग मिले हुए है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहां पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं।
चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टारकास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो दो टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे टीआरपी रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों उल्टे के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहाँ पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है,
मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सरन शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छे TRP रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों उल्टे के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है
तब TRP रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के TV चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को TV के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहां पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों, ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर TV पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छी TRP रेटिंग के साथ TV पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छी TRP रेटिंग मिले हुए है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी
मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों, इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहां पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है।
इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो दो टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छी टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छी टीआरपी रेटिंग मिले हुए है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों उल्टे के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहां पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहाँ पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में, और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था शरण शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर,
यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है। और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी, यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी, यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनके एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो दो टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छी टीआरपी रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छी टीआरपी रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे। आज हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना, जो कि सत्य घटना पर आधारित मूवी है। अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड की मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर नई नई बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में आप सभी को न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो कि इस मूवी को 2020 में डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर ये मूवी शायद सिनेमा के अंदर आती तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा अच्छा ज़रूर होता। भले ये मूवी दोस्तों ओटीटी के ऊपर आई, बट जब भी ये मूवी टीवी पर आती है तब टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी इस मूवी को मिलती है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, रिव्यू के बारे में, जो आप सभी को शायद अच्छे लगेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो ये मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी अक्सर जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप लोग इस मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी मूवी नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल अवेलेबल है, तो आप लोग वहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को वहाँ पर जाकर मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में।
और आपको इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस मूवी को 2020 में रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा मूवी है। मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग 2 घंटे के करीब का था। इस मूवी को जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 5 out of 5 की रेटिंग मिली हुई है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर 100% मिले थे। दोस्तों, इस मूवी को जो गूगल यूज़र है उनकी तरफ से 65% लाइक्स मिले हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सरन शर्मा ने, जो कि काफ़ी कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड के अंदर, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। इन्होंने पहले भी ये जवानी है दीवानी जैसी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं। इसके अलावा ये दिल है मुश्किल और बहुत सारी ऐसी गजब की मूवीज़ उन्होंने बनाई है, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर और हिट रही थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने। इस मूवी के जो सारे राइट्स थे वो अब जी के पास है, और मूवी को देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, तो आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस मूवी की स्टार कास्ट और इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जाह्नवी कपूर, रीवा अरोरा, पंकज त्रिपाठी, मानव विज, योगेंद्र विक्रम सिंह, अनगढ़ बेदी, विनोद कुमार सिंह, चंदन के आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट है जिन्होंने काफ़ी कमाल का काम इस मूवी के अंदर किया है। चलिए हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो जो जाह्नवी कपूर है वो यहाँ पर गुंजन सक्सेना के रोल में है। इसके अलावा जो पंकज त्रिपाठी है वो अनूप सक्सेना के रोल में देखने को मिलेंगे। कहानी काफ़ी सिंपल है। जो गुंजन है उनका बचपन से यही एक सपना रहा है कि बड़ी होकर वो विमान चलाएंगी यानी कि पायलट बनना चाहती है, और वही उनका सबसे बड़ा सपना होता है। और उस सपने को पूरा करने में पूरा साथ देते हैं उनके पिताजी यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनका यहाँ पर नाम अनूप सक्सेना होता है। इसके अलावा उनके एक भाई भी है और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम यहाँ पर अनुसम दिया गया है। मूवी जो है वो 2 टाइम फ्रेम में चलती रहेंगी, जहाँ पर पहले गुंजन छोटी लड़की है उसकी कहानी आपको दिखाई जाएंगी, जब वे बड़ी होती है तब वो कैसे अपने सपने को पूरा करती है वो आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही करीबी से दिखाया गया है। दोस्तों, ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है, और दोस्तों ये जो मूवीज़ है वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ सत्य घटना पर बनी है वो सभी मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई है। मूवी की रेटिंग से ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। आप इस मूवी को अक्सर टीवी पर ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है वो काफ़ी अच्छी TRP रेटिंग के साथ टीवी पर रिलीज़ की गई थी, मतलब इस मूवी को काफ़ी अच्छी TRP रेटिंग मिले हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा था तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग जो है इस मूवी को पूरी जो फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मूवी उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगी और लाइफ में कुछ करने के लिए बहुत कुछ प्रेरित करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखेंगे।